इंडिगो एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह के परिजनों से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। चिराग पासवान रूपेश के पैतृक गांव पहुंचे और वहां परिवार वालों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने रूपेश के परिजनों को भरोसा दिया कि वो न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। उस पे तो जल्द से जल्द कार्रवाई की ही जाए, और अगर आपसे अगर नहीं बनता तो सिफारिश करें आप सीबीआई से कि केंद्र की एजेंसी आए और वो आकर इसकी जिम्मेदारी संभाले, वो कम से कम तथ्यों को सामने लेकर आए, पर कम से कम दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना ना घटे, उनको तो कम से कम सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यहाँ पर क्यों नहीं पुलिस की तैनाती है, क्यों नहीं यहाँ पे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग, जाहिर सी बात है संतानवा देने के लिए या यहाँ पे परिवार के साथ खड़े होने के लिए भी कई लोग आ रहे हैं, पर उसी की आड़ में कोई अगर अपराधी भी यहाँ पर घुस आता है और यहाँ पर उसी तरीके की घटना को अंजाम दे दे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं लिखित रूप में ही मैं आग्रह करूंगा, मैं यहाँ से मैं फोन भी लगा रहा था पर मेरी बातचीत नहीं हुई प्रशासन के लोगों से, पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा दी जाए। परिवार का एक आधार खोया, एक ऐसा व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति जो पूरे परिवार को जो संभाल कर चल रहा था, उसकी यहाँ पर निर्मम हत्या की गई है। सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले कि हमारे प्रदेश का एक होनहार लड़का था। आप भी अपनी तरफ से सरकार को भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि परिवार का जब आधार खोया है तो परिवार आगे कैसे उसका पालन पोषण हो, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से एक नौकरी भी परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाए ताकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बेटिया है, बेटा है छोटा सा, उनका परिवार ऐसे कैसे चलेगा आगे? उनके बुजुर्ग पिता हैं, उनको कौन देखेगा? तो सरकार की तरफ से उनके परिवार में से किसी एक योग्य व्यक्ति को नौकरी भी दी जाए, इसका भी मैं आग्रह करता हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी की सुरक्षा दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बिटिया है, छोटा सा उनका बेटा है, उनकी बीवी है, उनके बुजुर्ग पिता है, भाई है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं भय के खौफ में ये लोग जी रहे हैं, इनको सुरक्षा का भाव मिले। कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है, ये तो कोई बहुत बड़ी मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह, लोजपा के पूर्व प्रत्याशी सौरभ पांडे, पूर्व मुखिया तारकेश्वर सिंह मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।